हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मैं शेयर कर रही हूँ हेयर पैक। ये हेयर पैक बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं बाल। और आपके बाल जो है, अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो जड़ से काले होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। और जो आपके बाल हैं वो काफ़ी शाइन करेंगे, सिल्की हो जाएंगे और हेल्दी भी होंगे साथ में। और जो आपके हेयर हैं काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ ये हेयर पैक मैंने कैसे बनाया है। ये हेयर पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लोहे की कढ़ाई, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 स्पून भर के एलोवेरा जेल। ये मैंने सिकाकाई पाउडर लिया है, ये ऑरिगेंस का है, ये रीठा पाउडर है, और ये जो है ये मैं तीनों ही यूज करती हूँ, आंवला पाउडर। तो यहाँ पे जो है, हम इसकी जो क्वांटिटी है वो अपने हेयर के हिसाब से लेंगे। आपके हेयर जितने भी बड़े हों उस हिसाब से आप उसकी मात्रा बढ़ा घटा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1-1 स्पून लूँगी, और जो आंवला पाउडर है वो मैं 2 स्पून लूँगी। तो मैं 1-1 स्पून लेके आपको पहले दिखाती हूँ। ये लोहे की कढ़ाई है और इसके अंदर अगर आप ये हेयर पैक बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और आप इसको रात में बना के छोड़ दीजिए और फिर सुबह में लगाइए। तो आपके अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपके जो हेयर के कलर हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ये पाउडर को ले लेती हूँ। उसके बाद मैं सभी लेने के बाद फिर मैं मिक्स करूँगी। और यहाँ सिकाकाई पाउडर के मैंने ले लिया है ये भी साथ में। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से, और हमें इसको नॉर्मल वाटर से ही करना है। अब जो एलोवेरा जेल है उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और फिर हम नॉर्मल वाटर लेके इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए मैं पेस्ट बना लेती हूँ। मैं बाकी सामान रख देती हूँ, फिर मैं आपको पेस्ट बना के इसका दिखाती हूँ। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, लम्स बिल्कुल भी ना रहें। तो आप इसको ब्रश की हेल्प से चाहे स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिला लीजिए। और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सभी को पता है आंवला रीठा सिकाकाई हमारे बालों के लिए कैसा होता है। तो अगर आप ये रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे। और आपके बाल जो झड़ते हैं, जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है ये आंवला सिकाकाई रीठा पाउडर। तो इसका हमें एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो इसी तरह से हम इसका पेस्ट करके बना लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ। और उसके बाद इसमें हमें एक चीज़ और मिलाना है जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए। तो वो मैं आगे मिलाऊंगी, आगे बताऊंगी आपको कि उस वो क्या चीज़ है। तो इसको हम पेस्ट पहले बना लेते हैं, फिर हम मिलाएंगे एक जो हमारे। और अब इसके अंदर हम मिलाएंगे ये ऑयल। ये कौन, बादाम ऑयल है। आप यहाँ पे बादाम ऑयल का यूज करेंगे। बादाम ऑयल जो होता है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हम 1 जो है यहाँ बॉटल की ढक्कन से ले लेंगे, या 1 स्पून से भी आप ले सकते हैं। तो इसको, क्योंकि विटामिन ई बहुत अधिक इसके अंदर होता है, जो विटामिन ई होता है वो हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको ज़रूर डालें। देखिए, ये मैंने रेडी कर लिया है पेस्ट, और इसके बाद मैं इसको बालों में इस तरह का ही हमें बनाना है, स्मूथ सा पेस्ट। बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत थिक भी नहीं रखना है। तो अब मैं लगा लेती हूँ अपने बालों में। तो इस तरह से जैसे आप लगाते हो वैसे लगा लें, और पूरा इसको लेके रूट से लेके पूरा इस तरह से आप अपने हेयर में इस हेयर पैक को लगा सकते हैं। और आपके बाल मैं आपको दिखा देती हूँ, आगे से मेरे ये वाइट हो गए हैं, ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट, और यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं तो ये वाइट दिख रहा होगा आपको। तो ये लगाने से इसका कलर भी चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं बाल। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं तो हेयर के लिए बहुत अच्छा होगा ये। इस तरह से मैं लगा लेती हूँ पूरे बालों में। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा था, उसके बाद हेयर को मैंने वॉश कर लिया है। देख सकते हैं आप, एकदम अच्छे से हमारे हेयर ब्लैक हो चुके हैं, और इधर से भी देख सकते हैं आप।
दोनों साइड से कवर हो गए हैं पूरे हेयर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।